हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब पर दोबारा स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि एक संस्कृत महावाक्य है। इसका अगर सीधा सीधा ट्रांसलेशन किया जाए तो इंग्लिश में बनेगा आई एम गॉड और हिंदी में बनेगा मैं ईश्वर हूँ या मैं भगवान हूँ। लेकिन इसे अगर कई बार तोड़ा जाए, जैसे अहम बनता है मैं और अस्मि बनता है हूँ और बीच में शब्द आता है ब्रह्म, और उस ब्रह्म शब्द के सीधे माने तो यही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ईश्वर या भगवान। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे गहन मतलब हैं। इसकी गहराई में अगर जाओ तो कई मतलब निकलते हैं। ब्रह्म का एक मतलब ब्रह्मांड भी होता है कि मैं समूचा ब्रह्मांड हूँ। और हमारे ही वेदों में एक और महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मम, यानी प्रज्ञान ही ब्रह्म है, यानी चेतना ही ब्रह्म है, यानी इंसान की अपनी जो चेतना होती है वही साक्षात ब्रह्मांड को घेरे हुए है। आपकी अपनी चेतना ही समूचे ब्रह्मांड की चेतना है। तो आप ये कह सकते हो कि मेरी चेतना ही मेरे ईश्वर का रूप है, या मेरा चेतना ही मेरा ईश्वरीय रूप है, या मेरी चेतना ही ब्रह्म है। इसके अलावा ब्रह्म के और भी कई मतलब निकल सकते हैं, जैसे आपकी ही चेतना में पूरी ब्रह्मांड की चेतना छिपी हुई है, या आपकी ही चेतना पूरी ब्रह्मांड की चेतना है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं सर्वस्व हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ और मुझ में ही सब कुछ है, मैं हर किसी में हूँ। तो ऐसे ब्रह्म के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। और ये मतलब और अच्छे से तब समझ में आते हैं जब पहला या तो आप वेदों को पढ़िए, दूसरा तरीका है कि आप ध्यान में जाइए और अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, तीसरा एक तरीका है कि अहम ब्रह्मास्मि के शब्दों के साथ जीना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप इसे जिंदगी के हर चीज से रिलेट करेंगे अपने आप आपको इसके मायने समझ में आते रहेंगे। तो इस तरीके से इसके अनंत मतलब निकाले जा सकते हैं। और ये सारे मतलब के साथ जब आप जीने लगते हो तब कहा जाता है कि इंसान को ब्रह्म ज्ञान हो गया, यानी उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, यानी वो ब्रह्म को समझने लगा है। और भी अगर मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूं इस वीडियो में तो इसके और मतलब इस तरह से निकलेंगे। अगर जिंदगी से रिलेट करके बताऊं, जो मैंने अपनी जिंदगी से रिलेट करके सीखा है, कि अभी जैसे जिस वक्त में आप मुझे ये देख रहे हो तो ये आप सभी का वर्तमान वक्त है। इससे पहले जो वक्त बीता था उसे आप अपना भूतकाल कहेंगे और आने वाले कल को आप अपना भविष्यकाल कहेंगे। लेकिन हम जिस तरह से समय को देखते हैं, कुदरत उस तरीके से समय को नहीं देखती। हमें लगता है कि पहले भूतकाल आया, फिर वर्तमान आया, फिर भविष्य आया, जबकि कुदरत के पास हर काल की अनंत संभावनाएं हैं। और ये चीज ध्यान में और ज्यादा क्लियर समझ में आती है जब आप अनंत संभावनाओं को अपने सामने साकार होते हुए देखते हो। और सरल शब्दों में इसे अगर समझना चाहो तो ये कुछ ऐसा है कि एक ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान एक बार में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज सोच लेता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवरथिंकिंग वाले लोग ही सोचते हैं, जो शांत मस्तिष्क के होते हैं वो भी कई सारी संभावनाओं और इंग्लिश में कहें तो पॉसिबिलिटीज को सोच लेते हैं, लेकिन वो चूज एक को ही करते हैं क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि होती है कि इन सभी संभावनाओं में से सबसे बेहतर संभावना कौन सी है। तो वो शांत मस्तिष्क से सभी संभावनाओं में से बेस्ट यानी सबसे बेहतर संभावना को चुन लेते हैं। तो ये सारी संभावनाएं आ कहां से रही हैं? आपकी अपनी चेतना से। तो हर समय में, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य को काल हो, हर काल में, हर समय में प्रत्येक संभावना आपकी अपनी चेतना से निकलती है। तो आप प्रत्येक समय से परे हो, आप एक तरह के दृष्टा हो जो समय के हर आयाम में जा सकता है। आप हर आयाम में अपने आप को महसूस कर सकते हो, वो जिंदगी अपनी कल्पना में जी सकते हो, अपने अंतरात्मा में वो अस्तित्व को तलाश कर सकते हो। सरल भाषा में कहो तो हर वो चीज जो पॉसिबल हो सकती है या जिसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है उसे आप अपनी कल्पना में जी सकते हो।
और जब ये सारी संभावनाओं को अपने अंतरात्मा में, अपनी कल्पना में, अपने अंतर मन में जब आप साकार होते हुए देखते हो, तब आपको महसूस होता है कि आप कितने ज्यादा सक्षम हो, क्योंकि आपके पास चॉइस है। हर आत्मज्ञानी इंसान हमेशा निर्भय होता है, उसे किसी चीज का डर नहीं होता। यही कारण है कि वो हमेशा, उसके निर्णय हमेशा सही जाते हैं, क्योंकि वो हर संभावनाओं को अपने अंदर तलाश लेता है और वो जानता है कि जो संभावना मैं चूज करूंगा वही घटित होगी। क्योंकि अपनी जिंदगी से जब आप रिलेट करते हो अपने आत्मज्ञान को, तब पता चलता है कि इंसान जो चुनता है वैसी उसकी दुनिया होती है। क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, प्रज्ञानम ब्रह्मम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं। तो जब मैं ही सब कुछ हूं और मेरे चेतना से पूरी ब्रह्मांड की चेतना बन रही है और मेरी चॉइस, जो संभावना मैं अपने अंदर तलाश रहा हूं, उसे जिसे मैं एक साकार रूप दे रहा हूं अपनी कल्पना में और उसे होते हुए बकायदा अपनी कल्पना में देख रहा हूं और उसी को अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो वही प्रकट होगा यानी मैनिफेस्ट होगा। तो इस तरीके से एक आत्मज्ञानी इंसान जीता है, वो निर्भय होता है, वो शांत होता है, वो संपूर्ण होता है, उसे किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि उसके पास पता होता है कि मेरे पास विकल्प है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इसी तरीके से आप, ये बीच में मैसेजेस के नोटिफिकेशन आने, इसके लिए आई एम सॉरी। सो इसी तरीके से आप अहम ब्रह्मास्मि को जब अपनी जिंदगी से रिलेट करेंगे, तब आपको इसके मायने और गहराई में समझ में आएंगे कि आप कितने सर्वशक्तिमान है। क्योंकि शक्ति मिलती कहाँ से है? अपने मस्तिष्क की कल्पना शक्ति से। आप की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इस मोमेंट में आप क्या चूज कर रहे हो, क्या चॉइस बना रहे हो, क्या चुन रहे हो अपनी जिंदगी के लिए, क्या सबसे बेहतर हो सकता है। हर मोमेंट में अपने आप से सवाल पूछिए कि सबसे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है, और उसकी संभावना अपने अंतरात्मा में, अपनी कल्पना में, अपने अंतर्मन में तलाशिए और उसे एक साकार रूप दीजिए। और जितना साकार रूप आपके अंदर बनेगा, चूंकि आपकी ही चेतना पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, एक ही है सब कुछ और वो आप ही हो, तो जितना साकार रूप आप अपनी कल्पना में दोगे उतना ही साकार रूप बाहर अभिव्यक्त होगा यानी एक्सप्रेस होगा, और फिर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा यानी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इतना सरल है लाइफ को जीना। इस तरीके से आप जिंदगी की हर चीज, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अहम ब्रह्मास्मि को जितना ज्यादा जिंदगी से रिलेट करोगे उतना ही अच्छा इसे समझोगे। तो जिंदगी से रिलेट करने के लिए कि कैसे आपकी चेतना ही पूरी ब्रह्मांड की चेतना है, कैसे आपकी चेतना से ही ब्रह्मांड में सब कुछ घटित होता है, ये अगर आपको प्रैक्टिकली जानना है, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए अपने आप से वादा करिए कि मैं किसी भी चीज से इंटरफेयर यानी किसी भी चीज में अपना नाक नहीं घुसेड़ूंगा, किसी भी चीज में अपना हस्तक्षेप नहीं करूंगा, अपना इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, एक नॉन इंटरफेरेंस यानी स्थिरता के साथ जीऊंगा। जैसे कि बाइबल में कहा गया है साम 46:10 में कि बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। जब आप स्थिर हो जाते हो तो जान जाते हो कि आप ही ईश्वर हो। और ठीक वही चीज भगवत गीता का 6 चैप्टर उठा के देखो, पूरा का पूरा 6 छठा चैप्टर ध्यान योग के ऊपर है। और पूरे 6 चैप्टर का अगर मैं सार निकालूं एक शब्द में, तो वो एक शब्द बनेगा स्थिरता। जितना ज्यादा आप अपने आप में स्थिर हो जाते हो, जिंदगी की हर गतिविधि से कोई हस्तक्षेप नहीं करते हो, एक नॉन इंटरफेरेंस अपने अंदर डेवलप कर लेते हो कि मुझे किसी चीज से इंटरफेयर नहीं करना, उतनी ही आपके अंदर एक आत्मिक शक्ति डेवलप होती है, प्रकट होती है, आपके अंदर निर्मित होती है। और उस आत्मिक शक्ति के निर्माण से आपके अंदर ये समझ विकसित होती है कि आप जो चुनोगे वही आपके लिए सही होगा, ना कि जो दुनिया आपके लिए चुन रही है वो आपके लिए सही होगा। ज्यादा लोग अपने आप में से कनेक्टेड ही नहीं होते, अपने आप से जुड़े ही नहीं होते। हर किसी इंसान ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ उकसा दिया, तो उसे जवाब देना है, उसे हस्तक्षेप करना है, उसे इंटरफेरेंस करना है, उसे ऊंचा दिखाना है, नीचा दिखाना है, कुछ भी अंटशंट करना है,
तो उसी संसार के उधेड़बुन में लगे रहते हैं और कभी अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं जान पाते कि वो कितने सर्वशक्तिशाली हैं, कितने उनके अंदर साक्षात ब्रह्म की शक्ति है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिंदगी से रिलेट करके सीख रहे हैं, तो आपको कम से कम एक दिन, सिर्फ एक दिन करके देखो। मैं अपने अपने सभी दोस्तों से, चाहे वो मुझसे रूबरू मिलने आए या काउंसलिंग में मुझसे हेल्प लें, या चाहे फोन पे मिलने आए या चैटिंग में मिलने आए, किसी भी तरीके से लोग मुझसे जब कांटेक्ट करते हैं तो मैं एक जुमला बोलता हूँ कि करके देखो, जो भी मैं सलाह दे रहा हूँ वो करके देखो, अगर ना काम आए कभी मेरी बात फॉलो मत करना। तो एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए अपने आप से वादा करिए कि मैं किसी भी चीज़ से हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके। कोशिश तो कर सकते हो। एक दिन भी अगर आपने पूरा दिन नॉन इंटरफेरेंस में, यानी बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप से कनेक्ट होने में बिता दिया कि पूरा दिन मुझे अपने आप में ध्यान देना है, आपके अंदर एक आत्मिक शक्ति, खुद से कनेक्शन, खुद से जुड़ाव हो विकसित होगा, निर्मित होगा, डेवलप होगा अपने अंदर। आप अपने आप की आत्मा की शक्ति से कनेक्ट होगे और तब आपको समझ में आएगा कि आपके एक एक विचार आपके सामने कैसे आते हैं संभावना बन के, और आप उन विचारों को दृष्टा की नजर से, मतलब क्योंकि आपको इंटरफेयर तो करना नहीं है ना बाहर की दुनिया से ना अपने ही विचारों से, किसी से इंटरफेयर नहीं करना है, तो आप अपने ही विचारों को एक दृष्टा की नजर से देखोगे और तब आपको पता चलेगा कैसे अपनी जिंदगी के एक एक विचार को आपने अनजाने में या जानबूझ के ताकत दिए, इसलिए वो अभिव्यक्त हुआ और अभिव्यक्त होने की वजह से वो प्रकट हुआ है, आपने उसे एक्सप्रेस किया इसलिए वो मैनिफेस्ट हुआ है। इस तरीके से आप अपने ब्रह्म की, अपने आत्मा की शक्ति को अपनी जिंदगी से रिलेट करके खुद अहम ब्रह्मास्मि का मतलब जान सकते हो। बाकी मैं दुआ करूंगा कि जो छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको सबको बताई है उसे आप अप्लाई करो, खुद सीखो, और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसे समझने के लिए आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी कोई अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हो, और साथ ही किसी और सब्जेक्ट पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।